मां अगला भैया दासी। सबसे पहले सबको ये खुशखबरी दूंगी कि जो काम मैंने किया है 2 दिन के अंदर, भले नेट बंद था, माता रानी का क्या था पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ी खुशी सब तक पहुंच रही है। देखिए मैं एक बात बताऊँ, जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं ना, उनके घर में निराशा कभी नहीं आती है। सबका बहुत अच्छा काम हुआ है, मंडे तक सोमवार तक सबके घर में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ पहुँचेंगी। गणपति बप्पा खुद नहीं आ रहे, साथ में रिद्धि सिद्धि और माँ लक्ष्मी को साथ में लेके आ रहे हैं सबके घर में। सबका बहुत अच्छा काम हुआ है और कुछ दुश्मनों की बैंड भी बजी है। कुछ लोग बड़ा स्टेटस पे फोटो फोटो खेल रहे हैं, स्माइल दिखा रहे हैं, दुख तो कहीं से दिखता नहीं है, दुख कैसे दिखेगा, खुद का किया हुआ सजा। मतलब कहते हैं ना, एक मैं बताती हूँ आपको, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान गलती करके जब अपने आप को दिखाता है ना, मतलब समझ लो कि वो इंसान सबसे बड़ा गिल्ट में आता है। विद्या देवी को दिखा, विद्या देवी को दिखाने के लिए हंस के स्टेटस पे फोटो रखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें आपकी बेशर्मी साबित होती है, इसमें पता चलता है कि सामने वाला कितना बड़ा बेशर्म है, जो सारे कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चले। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा भी काम तमाम होने वाला है 28 सितंबर को, क्योंकि कहते हैं ना पावर, जो पीछे का पावर था ना, तुम्हारे खड़ा पावर था ना, वो पावर हट चुका है, अब कोई मदद के लिए नहीं खड़ा होगा, ये बात याद रखना। क्योंकि ताकत तुम्हारी पहले ही, कहते ना अगर राजा को मारना है तो पहले उसके वजीर को मारना पड़ता है। तो जिसका हाल मैंने किया है उसको शायद इस बात का घमंड है कि और भी लोग साथ में हैं। परसों के बाद, आज अमावस्या शाम को शुरू हो रही है, कल अमावस्या के बाद परसों से सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, देखो मजा। विद्या देवी से उलझना कितना भारी पड़ता है, ये सिर्फ कहते ना 72 घंटा आज शाम को पूरा होगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा मैं क्या करके आई हूँ। कहते ना कि झूठी स्माइल से कोई मतलब नहीं हो, दूसरे बाकी जो लोग ने मुझ पर विश्वास किया है उनके घर पे मंडे मंगलवार को जो खुशियाँ पहुँचेंगी, मंगलवार को पप्पा आ रहे हैं घर पे, पप्पा अपने साथ रिद्धि सिद्धि सब कुछ ला रहे हैं। सर कहते ना विघ्न हरता है, वो विघ्नेश्वरा है, वो सारे विघ्न हरने वो आ रहे हैं और सबकी खुशियां साथ में लेके आ रहे हैं। तो बस मैं ये कहूंगी कि अगर मैं हूँ साथ में तो डरने की जरूरत नहीं है। और अमावस्या है, मैंने जबरदस्त मारण क्रिया तो किया ही है, 20 तारीख तक रिजल्ट आएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इतना मत डरो। मैं ये तो कहते ना माता रानी ने क्या चमत्कार दिखाया, मुझे भी इसका मतलब खेल समझ में नहीं आया। माँ का 72 घंटे के लिए नेट बंद कर दिया, मेरे आनंद भाई की जान हाथ में आ गई थी, बोलते हैं कि दीदी आप कहाँ चले गए, उनको लगा केशव वेशव हो गया क्या, हो जाएगा वो भी अपने टाइम से, कोई टेंशन नहीं, वो भी वक्त देख रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सबके हलक पे बात आ गई थी। देखो मेरी उम्र है ना पूरी 85 ईयर्स की है, 85 ईयर्स तक मुझे कोई नहीं मार सकता, मारना है मार के देख लो, वापस आ जाऊँगी मैं, क्योंकि मैं लोगों के लिए छल कपट नहीं सोचती हूँ। लेकिन दूसरी बात, जो मैंने काम करके आई हूँ ना, सारी खुशियाँ, मतलब जो काम मैं करके आई हूँ, मंडे के बाद से आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी, ये मेरा वादा है। ऐसी बात है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बस एक ही बात है, जो लोगों ने आज तक बुरा किया है, बुरा बोला है, बुरा सोचा है, उन लोगों के साथ जो 20 तारीख तक होने वाला है उसे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा भारी राशि है वृश्चिक राशि, क्या बोलते हैं, तुला राशि, मीन राशि, कुंभ राशि और सिंह राशि, ये 5 राशियाँ बहुत भारी हैं। और उस पर सबसे ज़्यादा भारी है कल की अमावस्या और 19 तारीख की चतुर्थी बहुत भारी है। कुछ तो होगा जो बहुत बड़ा होगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं उस दिन का चांद देखना कलंक लगता है, हो सकता है कोई कलंकित होके मार खाए, कोई कुछ भी होए, बहुत कुछ होने वाला है। और एक बात और, मेरे सामने ये सब बोल के करके कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को जो करना है मैं अपना काम करके रहूँगी। और जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, जितने लोगों ने मुझे मारण मोहन वशीकरण का काम दिया था मैंने कर दिया है, और जितने ग्रुप वालों ने मुझसे एटीट्यूड दिखाया था उन सबके नाम की पर्ची फट चुकी है। बस वेट तो करो कल शाम तक का, खुद ब खुद पता चलेगा। जय माता दी।